हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। तो फाइनली मैं हाजिर हूं आपके लिए प्रूफ के साथ न्यूज बताने के लिए। तो जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए थे, मैंने उनको पहले ही कल ही बता दिया था। कल जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने बता दिया था कि 8.8.30 जो है MIUI 10 का लेटेस्ट वर्जन, वो सस्पेंड हो गया है। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई झूठ बोल रहे हो तुम, या फेक न्यूज मत फैलाओ, अपना प्रूफ दिखा दिया। बट भाई मैं उस टाइम तक कन्फर्म नहीं था कि किन किन डिवाइसेस के लिए सस्पेंड हुआ है, तो यहाँ पे मैं कन्फर्म हूं और अब मैं आपको बता सकता हूं। उससे पहले आप ये देख लो, ये मेरा 3S प्राइम है। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ से होगा ना, हाँ चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करता हूँ और ये अभी MIUI 10 के 8.8.23 के अंदर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे लिख रहा है नो अपडेट अवेलेबल। नो अपडेट अवेलेबल का मतलब मेरे फोन के लिए कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं। तो यहां पर मैं कंफर्म हो गया था कल अपने 3S प्राइम को देख करके, जबकि मेरे नोट 5 प्रो में जो है MIUI 10 है ही नहीं, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता था। तो फिर मैंने अपने ही ग्रुप के लोगों से पूछा कि भाई आप लोग बताओ कि क्या सही में सस्पेंड हुआ है और किन किन लोगों को सस्पेंड हुआ है। तो लोगों ने अपने अपने स्क्रीनशॉट्स भेजे। ठीक है, तो यहाँ पे एक 3S प्राइम वाले भाई ने अपनी स्क्रीनशॉट भेजी और इन्होंने दिखाया कि भाई टॉप सीक्रेट लिख के आ रहा है, ये 8.8.30 पर है और टॉप सीक्रेट लिख के आ रहा है। टॉप सीक्रेट लिख के आने का मतलब कि MIUI 10 इनके डिवाइस में तो सस्पेंड हो गया। दूसरा एक और थे, प्रदीप भाई ने बताया इनके पास जो है Redmi Note 5 Pro है और इनके में वीकली लिख के आ रहा है, मतलब इनके में जो है गारंटी वो सस्पेंड नहीं हुआ। उसके बाद एक और भाई थे, इनके पास भी Redmi 3S प्राइम है और इन्होंने इशू बताया कि क्या इशू आ रहा था मुझे। तो इन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन बार नॉट अ प्रॉपरली वर्किंग, मतलब इनका जो नोटिफिकेशन बार था वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा था। तो शायद ये वजह हो सकती है कि MIUI 10 सस्पेंड हो गया हो 3S प्राइम में। अगले Y2 वाले भाई हैं, इन्होंने भी दिखाया कि भाई मेरे में तो वीकली लिख के आ रहा है, मतलब Y2 के लिए भी सस्पेंड नहीं हुआ। Y1 लाइट वाले भी हमारे फ्रेंड हैं, इन्होंने भी बताया कि इनके फोन में भी सस्पेंड नहीं हुआ। यहाँ पर एक Redmi 4 वाले एक भाई हैं और इन्होंने कहा कि इनके फोन में टॉप सीक्रेट लिख के आ रहा है 8.8.30 के अंदर। इसका मतलब है कि Redmi 4 के लिए भी सस्पेंड हो गया। Redmi Note 3 के बारे में मैंने सुना है, मुझे उसका प्रूफ नहीं मिला है। Redmi 3S प्राइम में मैं खुद कन्फर्म हूँ कि सस्पेंड हो गया। बाकी जो Xiaomi के डिवाइसेज हैं उनमें सस्पेंड नहीं हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिवाइस के मेरे पास यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं। और ये भाई Redmi 5 वाले हैं, इनके पास भी आप देख सकते हैं इनको अभी भी अपडेट शो कर रहा है इंस्टॉल करने के लिए। इसका मतलब इनके फोन में भी सस्पेंड नहीं हुआ। यहाँ पे एक और Redmi Note 5 Pro है। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चला कि बहुत सारे लोगों का जो है सस्पेंड हुआ, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ 3 ही डिवाइस यहाँ पे मुझे ऐसे मिले जिनके अंदर सस्पेंड हुआ है, बाकी सबका परफेक्ट वर्किंग कर रहा है। तो अगर बाकी सब में से आप किसी भी यूजर हैं, मतलब किसी के भी यूजर हैं, किसी में भी बिलोंग करते हैं, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। रही बात कि सस्पेंड क्यों हुआ, तो रीजन भी मैं आपको बता दिए देता हूं। तो दोस्तों, नए अपडेट में जो मेजर बग है वो बस आपके बैटरी को लेके है कि बैटरी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गई, चार्जिंग स्लो हो गया, बैकअप स्लो हो गया, मतलब बैकअप कम हो गया, साथ ही साथ फोन में थोड़ा बहुत लैग आ गया। लेकिन ये सिर्फ नोट 3 और 3S प्राइम और रेडमी 4 के अंदर देखने को मिला। बाकी सारे डिवाइसेस में ये अपडेट अच्छा काम कर रहा है, Y2 में अच्छा काम कर रहा है। पोर्ट्रेट मोड जो है Y2 में बेहतर हुआ है थोड़ा सा, और नोट 5 प्रो के अंदर जो है सब कुछ सेम ही है, बैटरी बैकअप भी वैसा ही है, बस फेस अनलॉक बहुत अच्छा हो गया है। फेस अनलॉक हर्षित ने वीडियो भी डाली है, आप देख सकते हैं हर्षित भाई के चैनल पर, और मैं उसके लिए रिव्यू भी लाऊंगा जल्दी ही, MIUI 10 का फुल रिव्यू। हालांकि ये तो सस्पेंड क्यों हुआ है उसके बारे में है, बट के रिव्यू वाली वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि क्या कुछ देखने को मिला। Redmi Note 5 Pro के लिए वो बेसिकली होगा और बाकी सारे डिवाइसेस के लिए होगा, बट सस्पेंडेड डिवाइस के लिए उसमें मैं नहीं कुछ कहने वाला हूं मेरे ख्याल से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को दबाइए ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। और साथ ही साथ एक और बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।